एक्सिस बैंक के नतीजे आने वाले हैं कैसे रहेंगे नतीजे और नतीजे बताने से ठीक पहले वरुण के पास हम चलेंगे वरुण ने एकदम छींक दिया वरुण नंबर ठीक रहेंगे प्योर सर्दी जुखाम वाली छींक है ओके okay. <laughs> <laughs> तो कैसे रहेंगे रिजल्ट बताइए क्योंकि बाकी सारे बैंक के तो अच्छे हैं तो अनिल जी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे एनआया देखेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये मैनेज कर लेंगे अच्छे नतीजे आएंगे 26 परसेंट के आसपास एन बढ़ेंगे दस हजार नौ सौ करोड़ मुनाफा जो है उसमें करीब 51 52 परसेंट के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है एनपीएस भी स्टेबल रहने वाले है नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट स्टेबिलाईज होंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बीस से तीस बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे आपको याद होगा जब आईसीआईसी बैंक के नतीजे आ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि रिटेल फोकस जितने भी बैंक है वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें बढ़ने का ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे ऐसे में आपने देखा इस कंपनी में भी यही आपको देखने मिलेगा एनपीएस रिकवरी अच्छी होगी स्लिपेजेस में कमी रहने वाली है रिटेल uh, और एसएमबी सेगमेंट जो है वहां पे बेहतर ग्रोथ होगी क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें कर, थोड़ा बहुत बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन कुछ चीजों पर आपको नजर रखनी है डिपोजिट ग्रोथ नौ से दस होगी लेकिन लोन ग्रोथ जो है वो केवल चौदह से पन्द्रह होने वाली है अब आप कहेंगे चौदह से पन्द्रह तो हो रही है लेकिन बाकी बैंक में अगर आप देखेंगे करीब अठारह बीस बाईस परसेंट के आसपास भी, की भी लोन ग्रोथ देखने मिली दरअसल बेस हाई होने के कारण एक्सिस बैंक में जो लोन ग्रोथ है वो शायद उतनी नहीं होगी जितनी बाकी बैंक में हुई है इसके लिए यहाँ करीब चौदह से पंद्रह परसेंट का आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है तो लोन ग्रोथ थोड़ी ठंडी रहेगी लेकिन बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ ग्रोथ अच्छी रहने वाली है ओके, तो एक्सिस बैंक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप कर सकते हैं सभी पैरामीटर एक्सेप्ट लोन ग्रोथ तो स्टॉक नौ सौ तीस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एक बार जरा इसके चार्ट भी राय ले ली जाए कुणाल जी नतीजों से पहले एक्सिस बैंक कोई एक्शन बनता है या छोड़ दे बाकी दूसरे बैंक भी ढेर सारे हैं अनिल जी देखिए ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और एक दायरे का ट्रेड यहाँ पर चल रहा है नौ सौ से नौ सौ का दायरा है जिसमें स्टॉक लगभग एक सवा महीने से ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है जी इससे बेहतर जब तक ब्रेकआउट ना आए तब तो तक कोई खरीदारी की राय नहीं है और अभी अभी हमने एच बैंक पर खरीदारी की राय दी उसका चार्ट मजबूत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट मजबूत है तो वहां पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि तुरंत एक्सिस बैंक पर खरीदारी करते हैं जो मजबूत है जिसका पता है रिजल्ट आ चुके हैं वहां पर फोकस करें फोकस कैसे करें वो भी देख लीजिए ले आता हूं आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी शुरुआती पंद्रह मिनटों में ही अब डे हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं दिन की ऊंचाईयों पर पहुंचता हुआ निफ्टी अठारह पहली बार और बयालीस लंबे समय बाद दर्शन कर लीजिए बैंक निफ्टी में बयालीस जो अगला टारगेट है वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है आखिरी कंजेशन जोन यही है बयालीस नौ सौ के आसपास और तैयारी के पार निकलकर टीका बंद होता दिखा तो फिर वाह वाह क्या कहने और अब नहीं तो कब जब इतने बढ़िया एक के बाद एक बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं यही दम इस वक्त दिख रहा है बैंक निफ्टी में